पर आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ पीहू के बारे में और साथ ही मैं बात करने वाला हूँ दूसरी फिल्म बहुलासी के बारे में। जी हाँ, दोनों ही फिल्मों के दूसरे दिन के कलेक्शंस आ चुके हैं और दोनों ही फिल्में ठीक ठाक ही कलेक्शंस कर रही है, यानी कि उम्मीद से तो कमी है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, दोनों ही बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं समझ में आ रही है, नहीं है आई थिंक। और इसलिए आई थिंक पीहू तो बहुत कम बजट की है, उससे तो ज़्यादा बजट की या दुगने बजट की हो सकती है या उससे भी ज़्यादा बजट की हो सकती है मोहल्लासी। बट स्टिल दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही धीमा कलेक्शंस कर रही, धीमा यानी कि नेगेटिव या कम कलेक्शंस कर रही कहा जाए। तो पीहू ने पहले दिन कमाई की थी 45 लाख तक की, दूसरे दिन पीहू की कमाई लगभग आई है 50 लाख की, यानी कि फिल्म का जो कलेक्शंस हो चुका है वो 95 लाख तक हो चुका है। यानी कि तीसरे दिन, आज संडे है, आज ये फिल्म और ग्रो होगी पीहू और 1 करोड़ के ऊपर कलेक्शन जाएगा। वहीं बात करें मोहल्लासी फिल्म की, सनी देओल की फिल्म है, एक एडल्ट रेटेड फिल्म है। फिल्म की कहानी कई लोगों ने कही है कि अच्छी है और मिक्स रिव्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। और यहाँ पर ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है दूसरे दिन का, वो फर्स्ट दिन के जैसा ही है। यानी पहले दिन 30 लाख था, दूसरे दिन भी 30 लाख था। यानी कि काशी पर अस्सी जिस उपन्यास पर बेस्ड ये फिल्म है मोहल्लासी, इस फिल्म ने 60 लाख की कमाई की है। तो 2 दिन के बाद जो फिल्म है पीहू का 95 लाख और 2 दिन के बाद काशी की मोहल्लासी का 60 लाख कमाई हुई है। तो इस खबर के बारे में आप क्या है जरूर बताइए, और क्या लगता है दोनों फिल्म किस तरह से चलेगी आने वाले वक्त तक या कितना कलेक्शंस कर सकती है जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही।